तो अभी वन प्लस की एनसी वाली नेकबैंड को आने के लिए समय है। अगर वो आ भी जाता है वो कॉस्ट करेगा आपको 2200 से 2300 रुपए में। लेकिन इसी बीच रियलमी का एक एनसी नेकबैंड लॉन्च हो चुका है जो कि ये रियलमी बर्स 3, और ये काफी अग्रेसिव प्राइस पॉइंट में लॉन्च हुए हैं। 1700 रुपए के लिए आपको ये पहले सेल पे मिलेगा, आगे डेफिनेटली इसकी प्राइसिंग बढ़ा दिया जाएगा। और वन प्लस की तरफ से आपको ये वन प्लस बुलेट वायरलेस Z2 देने को मिलेगा। अगर आपको कंफ्यूजन है कि दोस्तों अंडर 2000 इन दोनों में से कौन सा बाय करना आपके लिए अच्छा रहेगा, इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको रियल टाइम टेस्टिंग के साथ आपको बताने वाला हूं कि दोस्तों कौन सा नेकबैंड आपके लिए सही रहेगा। और दोस्तों मैं ये टेस्ट करने के लिए कुछ इस तरह से स्टीरियो माइक्रोफोन का यूज करने वाला हूं, और हम यहां पे म्यूजिक टेस्ट, लेटेंसी टेस्ट और साथ में इसकी कॉलिंग टेस्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों जरूर से वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना, और अच्छा लगे वीडियो तो जरूर से ये वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो दोस्तों जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वो बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारी ऐसी यूजफुल वीडियो आपको हमेशा टाइम पे मिलता रहे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिजीत, वेलकम टू आवर चैनल डे बाय डे। तो शुरू करते हैं ये नेकबैंड के डिजाइन से। दोस्तों दोनों की डिजाइन आपको काफी बढ़िया देने को मिल जाता है। गाइस ये रियलमी बर्ड वायरलेस 3 की कंट्रोलर वाला पार्ट और इसकी जो बैटरी वाला पार्ट है, इसकी प्लास्टिक आपको ग्लॉसी फिनिशिंग में देखने को मिलेगा, जबकि वन प्लस में आपको ये मैट फिनिश के साथ देखने को मिलता है। लुक्स के मामले में तो दोनों ही आपको अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन ये जो रियलमी बर्ड्स की नई नेकबैंड है इसका लुक्स थोड़ा सा मुझे ज्यादा बेटर लगा। बाकी दोनों के जो ये नेकबैंड है ये आपको स्किन फ्रेंडली और फ्लेक्सीबल देखने को मिलेगा, जिस वजह से दोनों का आसानी से मोल्ड करके आराम से कैरी के ले जा सकते हो। और दोनों में आपको इस तरह से टेक्सचर टाइप की वायर देने को मिलता है, और ये वायर के दोनों एंड में आपको प्रोटेक्शन दिया गया है जिस वजह से ये जो वायर यहाँ पे जल्दी खराब नहीं होंगे। और ये दोनों की ईयरबड्स भी डिजाइन आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलेगा, 45 डिग्री एंगल करके है, जिस वजह से दोस्तों ये दोनों ही नेकबैंड कानों में बहुत सही तरीके से फिट बैठते हैं। और दोस्तों ये दोनों में आपको मैग्नेटिक ऑन ऑफ वाला फीचर मिलता है, जिस वजह से जैसे ही ईयरबड्स को अलग करोगे ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, और वापस इसको जोड़ दोगे तो दोस्तों ये ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद बंद हो जाते हैं। अगर यहाँ पे इसके कंट्रोल्स की बात करें तो दोस्तों वन प्लस में आपको 3 बटन मिलेगा, प्लस माइनस और एक आपको मल्टीफंक्शनल बटन, जबकि रियलमी बर्ड वायरलेस 3 में आपको 4 बटन देने को मिलेंगे। ये जो एडिशनल बटन है दोस्तों ये एक्चुअली ANC मोड को स्विच करने के लिए और गेमिंग मोड को एक्टिवेट करने के लिए यूज होता है। दोस्तों वन प्लस में आपको कोई डेडिकेटेड गेमिंग मोड नहीं मिलता है, ये बाय डिफॉल्ट लो लेटेंसी के साथ आते हैं। आगे तो हम इसका रियल टाइम गेमिंग टेस्ट करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन के सपोर्ट की बात करें ये आपको सिर्फ ये रियलमी बर्स 3 में मिलेगा। रियलमी लिंक एप्लीकेशन की वजह से यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएगा जिससे आप इसकी नॉइज कैंसलेशन को कंट्रोल कर सकते हो, और इससे आपको डिफरेंट इक्वलाइजर मोड मिलता है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको 4 इक्वलाइजर मोड मिलेगा। अगर आपको कोई भी इक्वलाइजर मोड को कस्टमाइज करना होगा तो दोस्तों ये ऑप्शन भी आपको इसी एप्लीकेशन में मिल जाएगा। म्यूजिक के मामले में दोस्तों इसमें आपको तो एक्टिव नॉइज कैंसलेशन मिल जाता है, इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको स्पेशल 360 डिग्री ऑडियो एक्सपीरियंस मिलेगा, और ये फीचर को ऑन करने के लिए आपको इसकी रियलमी लिंक एप्लीकेशन में ये ऑप्शन देने को मिलेगा। और दोस्तों इस पे आपको एक डायनामिक बेस और वॉल्यूम एनहांसमेंट के ऑप्शन देने को मिलेगा, और ऐसे यूनिक फीचर आपको ये OnePlus Bullet Z2 पे देने को नहीं मिलता। दोस्तों कनेक्टिविटी के मामले में ये जो OnePlus Bullet Wireless Z2 है इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देने को मिलता है, जबकि ये Realme Bird Wireless 3 में आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिल जाएगा। वैसे ये दोनों ही डिवाइस को आप कोई भी फोन या फिर कोई लैपटॉप या फिर कोई कंप्यूटर में कनेक्ट तो कर सकते हो, लेकिन लेटेस्ट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको सिर्फ ये Realme Bird Wireless 3 में मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों ये डुअल कनेक्टिविटी को भी सपोर्ट करता है, और इसको यूज करने के लिए आपको इसकी जो रियलमी लिंक एप्लीकेशन में एक ऑप्शन मिलेगा, जरूर से यहाँ पे इसको ऑन कर देना, उसके बाद इसकी जो डुअल कनेक्टिविटी काम करता है जिस वजह से आप एट ए टाइम 2 डिवाइस के साथ ये नेकबैंड को कनेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों इसके गेमिंग मोड को एक्टिवेट करने के लिए आपको ये जो ANC बटन है इसको 2 सेकंड के लिए होल्ड करके रखना होगा, और आप चाहोगे तो एप्लीकेशन से भी इसको ऑन कर सकते हो। एक चीज मैंने नोटिस किया कि दोस्तों जैसे हम इसको गेमिंग मोड को स्विच करते हैं या फिर गेमिंग मोड से एग्जिट करते हैं, यहाँ पे जो बीप साउंड आता है वो एग्जैक्टली सेम है, जिस वजह से दोस्तों आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपने गेमिंग मोड में एंटर किया या नहीं। आपको ये कंफर्म करने के लिए जरूर से एक बार एप्लीकेशन को चेकआउट करना होगा। तो ये एक स्लाइटली डीमेरिट है, यहाँ पे गेमिंग मोड को ऑन और ऑफ करने के टाइम थोड़ा सा अलग अलग आवाज होता था, तो दोस्तों आपको काफी आसानी होता कि फिलहाल के लिए ये नेकबैंड गेमिंग मोड पे है या नहीं।
और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको और भी एक्स्ट्रा फीचर मिल जाएगा कि दोस्तों इस पे आपको कैमरा कंट्रोल की ऑप्शन मिल जाता है और ये भी आपको रियलमी लिंक एप्लीकेशन में ऑन करना होगा। और उसके बाद अपने जो बाय डिफॉल्ट कैमरा है उसको ऑन करने के बाद इसकी जो मल्टीफंक्शनल बटन है, अगर इसको आप दो बार टैप करोगे तो दोस्तों यहाँ पे इसी नेक बैंड के थ्रू आप फोटो खींच सकते हो। और ये नेक बैंड में आपको फाइंड माई फोन का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि अभी के टाइम में कोई भी नेक बैंड में आपको ये फीचर देने को नहीं मिलता। और इसको यूज करने के लिए आपको इसकी जो मल्टीफंक्शनल बटन को कंटिन्यूसली चार बार टैप करना होगा, उसके बाद आपका जो फोन है वो इमीडिएटली रिंग करता है। मोस्ट ऑफ द रियलमी नेक बैंड में आपको इसकी बटन को कस्टमाइज करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन सैडली ये नेक बैंड में आपको ये फीचर नहीं मिलता। लेकिन ऑलमोस्ट सारे फीचर आपको इसके कंट्रोलर्स में मिल जाएगा, आप सारी चीज कर सकते हो। और ये जानने के लिए कि कौन सा फीचर कैसा काम करता है, इसका डिटेल आपको इसके एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और जैसा आपको बताया था दोस्तों, ये OnePlus नेक बैंड में आपको एप्लीकेशन का सपोर्ट नहीं मिलता, इसी वजह से इसकी भी बटन को आप कस्टमाइज नहीं कर पाओगे। और दोस्तों ये दोनों ही नेक बैंड की फिटिंग काफी सही है, अगर इसको वर्कआउट के टाइम में यूज करते हो या फिर जॉगिंग के टाइम में, ये आसानी से कान से बाहर नहीं आएगा। और दोस्तों दोनों में आपको IP55 की वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट मिलेगा, जिस वजह से दोस्तों वर्कआउट के टाइम में स्वेट होता है या फिर बारिश के टाइम में थोड़ा बहुत पानी गिर गया तो ये नेकबैंड को ऐसा कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी ये नेकबैंड की ड्राइवर साइज की बात करें, ये जो रियलमी की बर्स 3 है इस पे आपको 13.6 mm की बड़ी ड्राइवर देने को मिलता है, जबकि ये OnePlus में आपको 12.4 mm की ड्राइवर साइज देने को मिलेगा। और दोस्तों इन दोनों की हाई क्वालिटी कोडेक की बात करें तो दोनों यहाँ पे हाई क्वालिटी कोडेक AAC को सपोर्ट करते हैं। अभी जल्दी से इन दोनों का रियल टाइम म्यूजिक टेस्ट देखते हैं और जानते हैं गाइस यहाँ पे आपको कैसा म्यूजिक एक्सपीरियंस मिलने वाला है। देखो यार, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, म्यूजिक क्वालिटी के मामले में ये Realme Bird Wireless 3 आपको काफी बढ़िया देने को मिल जाएगा। रीजन बहुत सारे हैं, क्योंकि दोस्तों म्यूजिक के लिए स्पेशल यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं। एक तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्पेशल 360 डिग्री आपको ऑडियो एक्सपीरियंस मिलेगा, और साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे कस्टमाइजेशन मोड मिल जाते हैं, आप इसकी इक्वलाइजर मोड को कस्टम कर सकते हो। और खास करके अगर इसके प्योर बेस मोड को स्विच करके आप इसकी वॉल्यूम एनहांसमेंट को ऑन कर देते हो, भाई यहाँ पे आपको काफी कमाल के साउंड देखने को मिलेगा। और दोस्तों बहुत लाउड साउंड करता है, लेकिन आपको कोई भी डिस्टॉर्शन ये नेक बैंड में देने को नहीं मिलता। बाकी OnePlus की बात करें तो दोस्तों ये जो पर्टिकुलर नेक बैंड है ये थोड़े से आपको ज्यादा बेस प्रोवाइड करते हैं, जिस वजह से कुछ कुछ गानों में आपको ये लगेगा दोस्तों जो वोकल्स है उतना क्लियर नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा बेस चाहिए तो दोस्तों ये Realme में आपको अगेन डायनामिक बेस का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो ये पर्टिकुलर Realme Buds 3 को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जबकि ये OnePlus के नेक बैंड में आपको सिर्फ एक टाइप की ऑडियो ऑप्शन रहेगा। तो डेफिनेटली भाई म्यूजिक क्वालिटी के मामले में Realme इज बेटर, लेकिन OnePlus भी इतना ज्यादा बुरा नहीं है। बाकी रहा इसकी कॉल क्वालिटी दोनों में कौन सा बेस्ट है उसका भी टेस्ट देखते हैं, जिससे आपको अच्छे से पता चल जाए कि इन दोनों में से आपको कॉलिंग के लिए कौन सा लेना चाहिए। दोस्तों अभी ये जो आवाज आप सुन रहे हो ये आवाज आपको इसी Realme Buds Wireless 3 से मिल रहा है, और मैंने अभी बैकग्राउंड में ट्रैफिक नॉइज को प्ले किया है। एक्टिव नॉइज कैंसलेशन की वजह से मुझे जो बैकग्राउंड नॉइज इतना ज्यादा पता नहीं चल रहा है। बाकी आपको कॉल क्वालिटी कैसे मिलेगा इससे आपको एक अंदाजा मिल जाएगा। और दोस्तों अभी ये जो आवाज आप सुन रहे हो ये आवाज आपको इसी OnePlus Bullet Wireless Z2 से मिल रहा है, और मैंने अभी बैकग्राउंड में ट्रैफिक नॉइज को भी प्ले किया है, जिससे आपको एक अंदाजा मिल जाए कि इसकी कॉल क्वालिटी आपको रियल टाइम में कैसे मिलने वाला है। तो जैसे आपने इन दोनों ही नेकबैंड के रियल टाइम कॉलिंग टेस्ट देखे, कॉलिंग के मामले में दोनों तो अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस आपको ये OnePlus की Bullet Wireless Z2 में मिल रहा है। तो अगर आपको ज्यादा प्रायोरिटी कॉलिंग के लिए, डेफिनेटली OnePlus आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी अभी गेमिंग की बात करें तो दोस्तों दोनों में आपको तो लो लेटेंसी मिलता है, लेकिन ये जो OnePlus Bullet Z2 है इसमें आपको 94 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी मिलेगा, जबकि ये Realme के जो नया नेकबैंड है Realme Buds Wireless 3 इसमें आपको 45 मिलीसेकंड की अल्ट्रा लो लेटेंसी मिल जाता है। लेकिन रियल टाइम में इन दोनों का टेस्टिंग देखते हैं और आपको बताते हैं दोस्तों गेमिंग अगर आपको ज्यादा प्रायोरिटी है दोनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा।
जैसा आपको मैंने पहले ही बताया था दोस्तों, 45 मिलीसेकंड की अल्ट्रा लो लेटेंसी की वजह से ये जो Realme Bud Wireless 3 है ये गेमिंग के लिए काफी ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको ज्यादा प्रायोरिटी गेमिंग के लिए नहीं है उस टाइम में आपको ये OnePlus लेने से भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। दोस्तों ज्यादा लो लेटेंसी होने के वजह से अगर इसी फीचर को आप एनेबल करके मूवी भी देखते तो दोस्तों आपको वो लिपसिंग वाली इश्यूज नहीं रहेंगे, आप आराम से मूवी वॉच कर सकते हो इस Realme Bud Wireless 3 के साथ। बाकी अब तक आपको मैंने जितने सारे डिटेल्स बताया उस हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों ये Realme Bud Wireless 3 थोड़ा सा ज्यादा बेटर है। लेकिन दोस्तों अभी जो ऑफर चल रहा है इस टाइम में OnePlus Bullet Z2 का प्राइसिंग 1600 रुपीज हो चुका है, जबकि जो Realme Bud Wireless 3 है ये आपको 1800 रुपीज देने को मिलेगा। बाकी दूसरे सारे फीचर के लिए आपको Realme Bud Wireless 3 थोड़ा सा ज्यादा बेटर रहेगा। मैंने कोशिश किया ये दोनों ही नेकबैंड के सारे डिटेल देने के लिए, अगर मेरे से कुछ पॉइंट छूट गया होगा तो दोस्तों जरूर से उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा दोस्तों जरूर से ये वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नहीं हो तो दोस्तों जरूर से यार चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वो बेल आइकन को दबा देना। तो अगर आपको प्रायोरिटी ज्यादा कॉलिंग के लिए तो दोस्तों OnePlus को कंसिडर कर सकते हो। बाकी आज की वीडियो बस इतना ही, हम मिलते हैं आपको और कोई ऐसी नई यूजफुल वीडियो से। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।